गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फिल्लर फोरम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मैथ की क्लास में अपनी। तो सभी के पास ऑडियो क्लियर आ रही है? सभी के पास ऑडियो क्लियर पहुंच रही है? तो नमस्कार दोस्तों, ये सीटेट की मैथ आज हम बेसिक एनसीईआरटी लेवल से शुरू कर रहे थे, जो चल रहा था अपना एचसीएफ एलसीएम, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। एचसीएफ एलसीएम जो हर एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन में उसी वक्त पूछ लेना सभी, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो जो भी अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो सभी अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, जिससे क्लास हमारी रेगुलर स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो कल हमने एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन निकाले थे, उसमें से जो भी अपने चैनल पे नए हैं, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में, क्वेश्चनों की पीडीएफ डाउनलोड करने में आसानी रहे, ठीक है। तो कल हम पढ़ रहे थे एचसीएफ एलसीएम के बारे में, ये पीजीटी टीजीटी इन सभी का, केवीएस एनवीएस इन सभी का टाइम टेबल है, जिसको भी क्लासें लेनी है टाइम तो वो रेगुलर ले सकता है, ठीक है। ये सीटेट वाला बैच है, जिस क्लास की जिसे ज़रूरत है वो उस समय अपनी क्लास ले सकता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे थे एचसीएफ एलसीएम, जो कल हमारा आधा अधूरा रह गया था, उसके बारे में आज हम पूर्ण जानकारी लेंगे, ठीक है। पूरी तरह हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कल चार लेवल पूरे कर लिए थे, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे पाँचवा रूल नंबर 5, ठीक है। तो रूल नंबर 5 देखिए, देख कॉपी और पेन लेकर जब भी रीजनिंग और मैथ की क्लास हो तो कॉपी और पेन लेकर साथ बैठिएगा, ठीक है। और इन रूल्स को आप नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो रूल नंबर 5 पढ़ रहे थे कल की, वह है बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। क्वेश्चन निकालना है आपको कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याएं ए बी सी को विभाजित करे तो समान शेषफल आए, ठीक है। तब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या करना है, कैसे निकालते हो, पहले ए माइनस बी, बी माइनस सी सभी में करके देखोगे, माइनस अगर बराबर आ रहा है, सभी में शेषफल बराबर आ रहा है तो क्या करोगे, इन सभी का एलसीएम लेकर जो बराबर आ रहा है वो संख्या उसको माइनस करनी है, ठीक है। यही करने को कहा था मैंने। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये शायद हमने कल भी निकाला इस क्वेश्चन को, इसका शायद आंसर होगा 2870 वाला, ये वाला आंसर होगा इसका, देखते हैं। देखें शायद इसको कल निकाल लिए थे, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कल निकाल लिए थे, क्योंकि इन सभी का एलसीएम कितना आया था हमारे पास, इन सभी का एलसीएम कितना था, कोई बताएगा मेरे को, इन सभी का एलसीएम कितना बताए थे? तो इन सभी का एलसीएम बताए थे हम 2880, शायद 2880 इनका एलसीएम था, यही बात है ना, एक मिनट रुको। ये लो 28 और 80 इनका एलसीएम था, ठीक है। अब इन सभी को माइनस करोगे, 48 में से अगर 38 माइनस किया तो कितना 10 बच गया, और फिर क्या करना है, 64 में से माइनस करना है 54, ठीक है। तो इसमें कितना बच गया 10 बच रहा है, ठीक है। फिर 90 है, 90 के अंदर से कितना माइनस किया, 80 माइनस किया तो कितना बचा, 10, यही है। इसके बाद में 120 में से माइनस किया तो कितना बच गया, 10। तो सभी में कितना शेषफल बच रहा है, 10। इसको क्या करना है, 2880 माइनस करना है आपको 10, तो
तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 70, कितना हो जाएगा 80-70, कितना 80-70। तो राइट आंसर आपका ये होगा, शायद ये क्वेश्चन कल भी किया था। ठीक है, अगला रूल है अपना, अब सीधा रूल देख लो फिर एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे इनके। रूल देख लो, रूल नंबर 6, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जो संख्याएं, अब बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो जो संख्याएं ए बी तथा सी को विभाजित करे तथा शेषफल क्रमशः पी क्यू आर आए, तो वह संख्या, सेम डिट्टो वह का वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये भी नियम समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है आपको। देखो, 5 5 5 माइनस ये 2 वाला, क्रमशः बच के आ रहे हैं, क्रमशः का मतलब पहले 5 वाला 2 से, 7 4 से, 11 8 से और 13 में से 10, ये सभी माइनस जाएंगे तो कितने बच गए। देखो, 7 में से माइनस करोगे 4 और 11 में से माइनस करोगे 8, फिर कितने में से, 13 में से माइनस करोगे 10, इनमें शेषफल कितना बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है, इसमें कितना, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो सभी में शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है शेषफल। क्लियर है? अब इनका एलसीएम निकालोगे, इन संख्याओं का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालो इन सभी का। देखो, 5 से 7 डिवाइड नहीं होता, 7 से 11 भी नहीं, तो इन सभी का मैंने कहा था कि ऐसी संख्याएं अगर हो जिसमें आप किसी से भी एक दूसरे का क्या नहीं हो सकता, कॉमन वो नहीं हो सकता। ठीक है, कॉमन मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो वो क्या करोगे, सभी संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है, उनका एलसीएम कहलाता है। यही रूल था पहला। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, 5 7 11 और 13 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम बाहर निकल के आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, देखिए इसका किसका आ रहा है, 5 7 35 हो गए ये, और इसका हो गया 13 13 और ये है 143, इसको मल्टीप्लाई करना है 35 से। ठीक है, तो 5 4 20 हो गए, इसका साइड टोटल हो जाएगा 35 70, 125 डिवाइड 5 5 5। ठीक है, 5 5 इनका गुणनफल है। अब इसको क्या करना है, इसमें से क्या माइनस करोगे, जो हमारा गुणनफल आया 5 5 5, इसमें माइनस क्या करना है, शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास, 3, तो इसमें माइनस करोगे 3, तो क्या हुआ हमारे पास, कितना बच रहा है, 5 2, तो राइट आंसर आपका ये बनेगा। तो जिसका भी आंसर ये है, बिल्कुल राइट आंसर है। तरीका सीखना है आपको, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चले आगे, क्लियर, ठीक है, चलो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसका सोल्व करना आपको। बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको, और बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, देखो इसका तो क्या निकालना था, लघुतम संख्या। ठीक है ना, लघुतम। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इतना इतना भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 बचते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ निकालना है, यही बात हुई ना कि एचसीएफ निकालना है आपके पास, तो निकालो। देखो 38 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से क्या करना है आपको, क्रमशः वही नियम लगाना, 38 में से माइनस करना 2। ठीक है, जब भी एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तब क्या करते हो, देखो 38 में से फिर 45 है, उसमें से क्या करना है 3, और इसके क्या दिया हुआ है 52, इसके अंदर से माइनस करना है 4। अब इसमें देखते हैं शेषफल क्या क्या बचता है, इसका बच रहा है 36 और इसका बच रहा है 42 और इसका 4 माइनस किया तो 48। ठीक है, और इन सभी का क्या करना है आपको, क्या निकालना है,
HCF निकालना है। जो आंसर आए ना आपके पास उसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो निकालो HCF कितना हो जाएगा, ये है किस टेबल में, जिसमें कौन सी टेबल है जिसमें 36 भी आती है, 42 भी आते हैं और 48 भी आते हैं। तो 5 नहीं हो सकता, 6 में देके देखो, 6 चंग 36, 6 सात 42, 8, तो 6 इसका 6 से डिवाइड होता है और 8 से नहीं होता है और बस 6 होगा। तो इसका HCF भी क्या करना है आपको, बड़ी से बड़ी संख्या आपके पास क्या है, 6 है। तो जिसका आंसर 6 है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझ गए तो आपको पकड़ में आ जाएगी कि उसमें HCF क्यों निकाल रहे हैं, इसमें LCM क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर भी किसी को डाउट हो तो बताओ, आगे चलें, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन आपके सामने रूल दिया हुआ है, रूल दे रखा है आपके पास कि रूल 7 में जब कोई संख्या है जो है ए है, बी है और सी है, इन द्वारा विभाजित की जाती है और शेषफल क्या बच रहा है आपके पास, पी क्यू आर आता है, तथा प्रत्येक स्थिति में भाजक तथा शेषफल का अंतर समान है, भाजक और शेषफल का अंतर समान है, तब उसे क्या करते हैं, पहले जैसे ए है, ए में से पी माइनस किया, उसी प्रकार करते हैं जैसे सभी में कर रहे हैं ना, जो क्वेश्चन करते आए हैं उसी प्रकार सभी में से माइनस करोगे तो सभी का शेषफल कितना आ रहा है, समान आ रहा है, शेषफल सभी का समान आ रहा है। ठीक है, ये बात तो बोल रहा है, तब वह न्यूनतम मान क्या होगा, तो इसका जो ए बी और सी है इनका क्या निकालना है, HCF निकालोगे, निकाल लिया वो सॉरी LCM निकालोगे, क्योंकि LCM पूछा है ना, LCM निकालना है और LCM में से माइनस क्या करोगे, जो शेषफल अपना बच रहा है, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन हमने पीछे भी निकाले उसमें से माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का ये रूल है जो सेम है लगभग। आठवा रूल क्या कह रहा है, कोई संख्या है कितने भी अंकों की हो सकती है, n अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या है, जैसे आपको दे दिया था स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था भाई, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 8 अंकों की बड़ी संख्या, ऐसे पूछ रहा है आपसे, तब क्या करोगे, तो कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, ज्ञात करो इसमें पी क्यू आर से भाग करने पर कुछ भी शेष न रहे तो वह संख्या क्या होगी, तो n है, जैसे कितनी भी संख्या दे रखा है हमें, 100 या 3 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या दे रखा है, 999 दे दिया। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या n माइनस करना आपको, जैसे अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है, अंकों की कौन सी बड़ी संख्या आपके सामने दी हुई है, ठीक है, वो निकालना है, तो पी क्यू आर का LCM निकालोगे तो आपको HCF निकालोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा फिर। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ये रूल है आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, फिर है n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कोई भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसमें छोटी से छोटी पूछ रहा है, इसमें बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, तरीका वही है, आपके पास फॉर्मूला n बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, अंकों की संख्या हो गई कितनी, 6, 7, 8 जो भी संख्याएं आपको दी हुई है उसकी संख्या हो जाएगी, और r माइनस करना है। ठीक है, r माइनस करना है, r हो गया आपका LCM हो जाएगा। क्लियर है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो रूल है 10, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपको दोस्तों किसी से भी ले लो, स्टेट एग्जाम हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो या फिर सेंटर एग्जाम हो, इन सभी में क्या है कि सेंटर एग्जाम भी होगा तो भी इसमें से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है, कोई भी एग्जाम हो, जैसे SSC ले लो, रेलवे ले लो, ठीक है, UPSC ले लो, जिसमें भी है में, उस सभी में इस रूल से क्वेश्चन बनते बनते हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे इसमें इस रूल में क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको। तो देखो इस रूल में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन तो बहुत प्रकार के बनते हैं, लेकिन आपको वो चीजें ध्यान रखनी है जो मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो इसमें दे रखा है कि रूल 4 के अंदर इनका फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या
बराबर LCM इंटू HCF, ये तो सभी को याद होगा, ठीक है, पढ़े होंगे कहीं भी या टेंथ में भी है ये फॉर्मूला, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और बराबर आपके पास LCM और HCF, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। जैसे मैं आपको थोड़ी बेसिक बता देता हूँ कि देखो आपको अगर HCF दिया हुआ है, दो संख्या दी हुई है, जैसे 26 दिया हुआ है और 27 दिया हुआ है, या 26 और 39 दिया हुआ है, अगर पूछे कि इन दोनों का LCM क्या है, ठीक है, अगर आपसे संख्या नहीं दे रखी हो, दो संख्या दे दी, तो इनका LCM क्या होगा, दोनों का LCM हो रहा है कितना, 13, ठीक है। अगर वो पूछे कि आपके पास अनुपात दे रखा है, किस चीज का, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, जैसे आपको दे दिया इसमें, ठीक है, जैसे आपको किसी संख्या का अनुपात दे दिया 2 और 3, 2:3, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया 2:3, ध्यान से ध्यान ना कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, कि 2:3 आपको रेशो दे रखा है दो संख्याओं का, और उनका आपको HCF कितना दे रखा है, 13, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, HCF आपके पास 13 दिया हुआ है, ठीक है, और आपके पास रेशो दिया हुआ है, तो सीधी वो संख्या पूछे या आपसे पूछे कि LCM क्या है, चलो बताओ LCM क्या है इनका, LCM क्या है, तो क्या करोगे, पहले दोनों संख्याओं का मान निकालोगे, दोनों संख्याएं कैसे निकालते हो, जो अपना LCM है उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 × 2 = 26 हो जाएगा, ठीक है, फिर निकालना है, 13 × 3 = 39 हो गया, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या आपके सामने आ गई है, ठीक है, बराबर LCM आपके सामने दिया, आपको निकालना है LCM, निकालना है मल्टीप्लाई, HCF आपके पास दिया हुआ है तो LCM लिखना है, फिर अब इसमें क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे, 13 × 3 = 39, तो LCM कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब हम क्वेश्चन देखते हैं इनसे, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, देखो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है एक, कि दो संख्याओं का LCM आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, और HCF दिया हुआ है, दो संख्याओं का आपके पास लेस दिया हुआ है, LCM दे दिया, और आपके पास मैथ से दिया हुआ है। देखो मैथ को समझने का एक बेस्ट तरीका है कि यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पढ़ना है, जो चीज़ आपको दी हुई हो उसे आपको बस यहाँ पे शॉर्ट तरीके से नोट करना है, इस तरीके से नहीं लिखना है, दो संख्याएं हैं का LCM दिया हुआ है, LCM यहाँ पे लिखो, LCM आपका है 60, यहाँ पे लिखना है इसी प्रकार, और कुछ भी नहीं करना है, तथा मैथ से यानी HCF आपके साथ में दिया हुआ है कितना, 5, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे पढ़ो, यहाँ से फिर आगे स्टार्ट करो, यदि एक संख्या 30 है, यानी कि फर्स्ट संख्या कौन सी है, फर्स्ट संख्या आपके पास 30 दी हुई है, ठीक है, दी हुई है एक संख्या, बताओ दूसरी संख्या क्या है, यानी सेकंड संख्या आपको निकालनी है, सेकंड संख्या आपको निकालनी है, आपका फॉर्मूला याद है आप सभी को कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ठीक है, और बराबर है आपके पास LCM हो गया और इंटू HCF हो गया, ठीक है, ये तो सीधा सीधा सा है, ठीक है, इसको निकालना है, तो सीधा सा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट संख्या कौन सी आपके पास, 13 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, इसके हमें वैल्यू पता नहीं, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, इसको अक्सर रख लेते हैं, LCM क्या दिया हुआ है, LCM आपके पास 60 है और HCF कितना है, 5 दिया हुआ है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है तो ये नीचे चले जाएगा, तो 60 × 5/13, अब इसको 2 है और इसका कितना हो जाएगा, 10, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 10, जिसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सभी का करेक्ट है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं, आपको एग्जाम में इस प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देते, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया था कि इजी क्वेश्चन है, ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, आपको एग्जाम में किस प्रकार से देखने को मिलेंगे, उस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है अभी। फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, HCF LCM में जो मैंने ये तरीके सिखाए हैं आपको, इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और प्रैक्टिस सीट हम बाद में करेंगे, पहले पूरी मैथ का हम बेसिक से जो कवर कर सकते हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। तो लगभग सभी का आंसर है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसका आंसर बताना आपको।
अब इसको आपको संख्या बतानी है। आपके पास एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, दो संख्याओं का रेशो भी दिया हुआ है। देखो इसका आंसर सबसे पहले कौन बताने वाला है। अगर इसका आंसर आपको लेस नहीं दिया होता तो आपको मैंने सीधा बताया था कि मल्टीप्लाई कर लो उससे, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर, देखे कौन बताएगा बिल्कुल सही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग समाजी, इसका आंसर बताओ। देखे किसका आंसर आ रहा है, रेशो आपके सामने दिया हुआ है, फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या बतानी है आपको। मैंने बताया भी है स्टार्टिंग में आपको, और शायद आपके किसी ने किसी के आंसर भी आ गए होंगे। 21 दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी भी बताओ। अगर फर्स्ट संख्या आई है तो दूसरी भी आ गई होगी, दूसरी संख्या कौन सी है। दूसरी संख्या कौन सी है, फर्स्ट संख्या आपके पास 21 है, दूसरी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। और किसी का आंसर, देखो क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ना, छोटी पूछ रहा है या बड़ी, छोटी संख्या पूछ रहा है या बड़ी संख्या पूछ रहा है। और किसी का आंसर आया है, फर्स्ट संख्या हो गई 21 बिल्कुल, और दूसरी संख्या आपके पास है 84 करेक्ट, बड़ी संख्या आपके पास पूछी। देखो दो संख्याएं आपको दी हुई है, एलसीएम आपका दिया हुआ है, मैसे दिया हुआ है, क्रमशः का मतलब है जो फर्स्ट है वो फर्स्ट के लिए है, सेकंड है वो सेकंड के लिए है। तो एलसीएम, एलसीएम आपके सामने दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 84, ठीक है। और HCF क्या दिया हुआ है, HCF आपके सामने दिया हुआ है कितना 21। अभी मैं आपको एक चीज बता के आया हूँ, दो संख्या यदि संख्याओं में अनुपात रेशो दिया हुआ है, रेशो फर्स्ट संख्या का और रेशो दिया हुआ है सेकंड संख्या का, यही बात है, और इसका रेशो है 1:4। अभी मैं आपसे बोल के आया हूँ कि जस आपको दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है और HCF और रेशो दिया हुआ है, तो सीधा करो, सीधा करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 21 हो गया, तो फर्स्ट संख्या 21 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84, सेकंड संख्या 84। क्लियर ही वैसे तो, वैसे क्वेश्चन ये किस प्रकार होता है जो मैं बताता हूँ, ये तो आपका जुगाड़ हो गया, ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन करने का तरीका। अब इसको बेसिक तरीके से किस प्रकार करते हैं वो जरूरी है आपको आना, क्योंकि उस तरीके से ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ये तो आपको सीधा दे रखा है, लेकिन मान लो ये सीधा नहीं दे रखा हो तो क्या हो। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, दो इसको 1x रख लेते हैं या x रख लेते हो, और इसको क्या रखते हो 4x, ठीक है। ये संख्या है, फर्स्ट संख्या है ये और सेकंड संख्या आपके साथ ये है, क्लियर है, सेकंड संख्या आपके पास ये है। अब क्या करना है आपको, दो संख्याओं का एलसीएम आपके पास दिया हुआ है, एलसीएम ठीक है, और एचसीएफ आपके पास दिया हुआ है 21। अब इसको फॉर्मूला में ऐड करना है आपको, जैसे फर्स्ट संख्या फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, ठीक है, इक्वल एलसीएम हो गया मल्टीप्लाई एचसीएफ, क्लियर है यहां तक। फर्स्ट संख्या कौन सी है, एक्स, एक्स रखा है मल्टीप्लाई, सेकेंड संख्या कौन सी है 4x, बराबर एलसीएम कितना है 84, एचसीएफ कितना है 21, ठीक है। अब एक्स और एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर बराबर 84 मल्टीप्लाई 21, क्लियर। अब x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 84 इंटू 21 अपॉन 4। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ये 2 बार में और ये 1 बार में, ठीक है, और 21 का 21 स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 441, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर इसका रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। क्लियर है, तो 21 एक्स की वैल्यू है। तो फर्स्ट को एक्स को एक्स की जगह नोट करोगे, डिनोट करोगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट संख्या 21, और सेकंड संख्या क्या होगी, सेकंड संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84। तो दोनों तरीके आ गए होंगे आपको, दोनों तरीके क्लियर है, दोनों तरीके समझ में आ गए। ये बेसिक तरीका है और वो आपका नॉर्मल तरीका, इजी ट्रिकली तरीका था। सभी को यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, थम्स अप कर दो, समझ में आया है तो आगे बढ़े। थम्स अप करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कॉपी और पेन उठा लेना, इसमें देखते हैं क्या होगा आपके साथ। बिल्कुल, चलो ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको सोल्व करना है, सबको आंसर देना है, सभी को आंसर देना है, इसका आंसर देके क्या होगा। दो संख्याएं हैं आपके सामने और उनका योग दिया हुआ है, उनका मैसेज आपके सामने दिया हुआ है, तो वे संख्याएं क्या होगी। चलो इसका आंसर दो, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है। क्या बात हो गई है, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आप सभी को, ध्यान से देखना एक एक चीज, फिर कहना मत सर समझ में नहीं आया। देखो दो संख्याएं हैं, उन सभी का योग कितना है, 216 है, ठीक है, और उनका मैसेज कितना दिया हुआ है, उनका मैसेज 27 दिया हुआ है। आपको मान लिया कि उनका अनुपात कितना है, उनका अनुपात रखते हैं x और y, रख दिया x और y रख लिया, अनुपात दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, एक्स वाई। अगर दोनों संख्याएं पूछूंगा आपसे कि दोनों संख्याएं कितनी होगी, तो देखो मैसेज दिया हुआ है, मैंने क्या कहा था कि इसका गुणनफल होता है, यही होता है ना। तो मैं अगर 27 को y से मल्टीप्लाई कर दूं तो फर्स्ट संख्या आ जाएगी, और 27 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड संख्या आ जाएगी। तो क्या करना है, उनका मैसेज है, आपको फर्स्ट संख्या बतानी है, तो फर्स्ट संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे देख करता हूँ फर्स्ट संख्या, तो फर्स्ट संख्या कौन सी है, x को मल्टीप्लाई करना है 27 से। क्लियर है, तो x को मल्टीप्लाई 27 से करोगे तो ये आपकी फर्स्ट संख्या हो जाएगी। यही किया था ना हमने अभी तक क्वेश्चन में, यही किया था, ठीक है। सेकंड संख्या कौन सी है, रेशो हमारे पास दिया हुआ है y, तो 27 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेकंड संख्या आ जाएगी, यही बात है।
तो सेकंड संख्या कितनी हो गई 27y। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 216 है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं कि 27 आपके पास दी हुई है x, और प्लस करना है आपको पास सेकंड संख्या आपके पास है 27y बराबर आपके पास इन सभी का दोनों का योग कितना है 216। यहाँ तक तो समझ गए, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 216। तो दो संख्या, फर्स्ट संख्या कौन सी है 27x और दूसरी संख्या कौन सी है 27y। तो यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा मैंने 27x क्यों किया और 27y क्यों किया। बिल्कुल आंसर 135 और 81 देखते हैं, अभी पता नहीं, आंसर आते ही पता चल जाएगा। तो फर्स्ट संख्या आपके पास आ गई होगी और सेकंड संख्या भी आपके पास आ गई होगी। ठीक है, अब इनका क्या करोगे, दोनों में कॉमन क्या चीज मिल रही है 27, तो 27 को बाहर निकाल लो। बाहर निकालोगे तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स प्लस वाई बच गया, तो इसको बाहर रहने दो। 216 आपका यहाँ पे है, तो अब क्या करोगे एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू 216 में क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे 27 से, और 7 8 56 यानी 8 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, कितनी बार में, 8 बार में कट गया। तो x प्लस वाई, यहाँ पे नोट करता हूँ मैं कि x प्लस वाई इसकी वैल्यू आपके सामने क्या है, 8 इसकी वैल्यू है। अब देखो 8 कौन कौन सी संख्या होती है, 8 में कैसे आती है x और y, तो x को क्या रखते हैं 1 रखते हैं, और x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 7, तभी तो 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं 2 और यहाँ पे कितना रखना है 6, तभी 8 आ गया, और यहाँ पे रखना है 3 और यहाँ पे रखना है 5, तब भी 8 आएगा, और यहाँ पे 4 रखना है और यहाँ भी 4 रखना है और यहाँ भी 8 आएगा। अब ध्यान रखना 5 यहाँ पे रखोगे, 5 प्लस कितना ऐड करोगे 3, तो वो भी कितना होता है 8, और ये संख्या पहले आ चुकी है ये वाली। ठीक है, अब रिपीट होंगे, इन संख्याओं से 8 आएगा, बाकी किसी भी संख्या से 8 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि अब मैंने ये दोनों क्यों रखे हैं। अब आपको ध्यान से देखना है, ऐसी संख्या उठानी है, ऐसे जोड़े उठाने हैं जो क्या है, एक दूसरे से विभाज्य नहीं है, जैसे 1 और 7 हो गया। ठीक है, ये वाला, लेकिन 2 और 6 एक दूसरे से विभाजित है, तो ये संख्या हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये संख्या हम नहीं लेंगे। दूसरी 3 और 5 है, ये संख्या भी एक दूसरे से विभाजित नहीं है, ये संख्या ले लेते हैं। ठीक है, और ये वाली संख्या 4 4, ये विभाजित है, इसको भी नहीं लेंगे। तो हमारे पास दो जोड़े बन रहे हैं, एक तो 1 और 7, कौन कौन सा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया होगा सभी ने, 1 1 और 7, एक तो ये बचा आपके पास, और आपके पास क्या बचा, 3 और 5 बचा है, और इन दोनों का योग कितना है 8। ठीक है, इन दोनों का योग 8 है। ठीक है, अब आपको कितना एलसीएम कितना दे रहा है वो 27, यही है, तो 27 को क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 27 को क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 27 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या क्या है, 1 प्लस 7 है और 3 प्लस 5 है, ये वाली संख्या है ना दोनों, ये वाली और ये वाली। तो देखो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, देखो 1 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी एक संख्या तो 27 हो सकती है, और दूसरी संख्या क्या करोगे, 27 को मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, देखो मल्टीप्लाई करो तो 7 7 49 और ये हो गए 17 18 89। तो पहली दो संख्या तो आपकी ये बन सकती है। ठीक है, और क्या बन सकती है इनके अलावा, और इनके अलावा बन सकती है देखो 3, तो 27 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 81 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 27 को मल्टीप्लाई करोगे कितने, 5 से, तो आपका कितना हो जाएगा 135। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। अगर 27 आंसर मानते हो तो दूसरी संख्या आपका 189 होगा। ठीक है, अगर 81 आंसर मानते हो फर्स्ट संख्या को, तो दूसरी संख्या आपके पास 135 हो जाएगी। तो जिसका भी ये आंसर है, जो भी ये चारों आंसरों में जो भी जिसका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मेरे हिसाब से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया आपको, कोई भी डाउट और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, चलें,
ये लो आपके सामने एक क्वेश्चन और दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर देना है, दो संख्याएं आपके सामने दी हुई हो, महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 96, लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या बहुत इजी वाला है। देखिए सबसे पहले किसका आंसर आएगा ये बताना है आप सभी को, सबसे पहले आंसर किसका होगा। बिल्कुल सभी के समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत खुशी मिली कि आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसी वक्त पूछ लिया करो। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इसका आंसर बताना है। किसका आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किसका है, कोई बताएगा? अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। क्या बात हो गई दोस्तों, आंसर अभी तक नहीं पहुंचा मेरे पास। क्या बात हुई है, कोई बताने वाला है मेरे को? वन फोर फोर आंसर आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर 144 आ रहा है क्या। बिल्कुल, दो संख्याएं आपके सामने, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक दिया हुआ है आपके सामने, HCF दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है, ठीक है, उनका लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? LCM दिया हुआ है, कितना? 1296। ठीक है, एक संख्या आपके सामने दी हुई हो, फर्स्ट संख्या आपके सामने दी हुई है, ठीक है, आपको क्या करना है, सेकंड संख्या निकालनी है, बहुत इजी है, ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या, ठीक है। देखो फर्स्ट संख्या हो गई, सेकंड संख्या हो गई, तो फर्स्ट संख्या आपके पास क्या दी हुई है, 864, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आपको क्या, सेकंड संख्या को एक्स रख लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ क्या है, 96 दिया हुआ है, ठीक है, और एलसीएम क्या दिया हुआ है, गुणन 1296, क्लियर है। अब इसको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, और 96 और ये हो गया अपने पास, और इसमें किसका डिवाइड करोगे, 864। अब इसमें डिवाइड करोगे तो कितना का देगा, देंगे आप, 12 से कट रहा है क्या? बिल्कुल, 12×96 और 12×84 कितना बचा, 2, 12×2 24, 8×9 72, 9 बार में फिर देखोगे 9×1 क्या हो गया, फिर कितना बचा, 3, 9×4 36 कितना बचा, 3, 9×4 36, तो जिसके 144 है, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का, बिल्कुल, तो सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 144 जिसका भी आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, ठीक है।
चले आगे, इसका आंसर देना है, इसका आंसर देखता हूं। देखिए सबसे पहले और सही आंसर किसका होगा, चैलेंजिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाएगा। दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। अब मैंने 5 क्वेश्चन करवाए हैं, 5-6 क्वेश्चन होंगे इसके, और उसमें आपका पूरा एचसीएफ एलसीएम वाला मैटर स्लिप समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन। ये सभी यूपीएससी आरपीएससी मतलब जो भी रेलवे, इन सभी में जो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जो आपके लिए सीटेट वाले जिसके भी ये टॉपिक हैं, उन सभी में आपको बहुत मदद करने मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, उसका करना है आपको। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, क्या बात हुई, चलो देखते हैं आंसर क्यों नहीं आया आपका। करें, किसी का भी नहीं आ रहा। दो संख्याएं लघुतम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक से कितना गुना है, 28 गुना, यही बात है। तो इनका एचसीएफ क्या रखोगे, एचसीएफ किससे, एलसीएम जो भी दिया हुआ है उसका एलसीएम कितना गुना है, 28 गुना। यानी एलसीएम अगर आपके पास एक्स है तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 28x, यही बात है। तो यहां तक तो क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तभी तो इतना बेसिक से बता रहा हूं मैं, मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको बेसिक नहीं आती, इसलिए मैं ये सभी पहले बेसिक से चला रहा हूँ। ये एनसीईआरटी सिलेबस से कनेक्टेड है, ये जो चीज़ें हैं एनसीईआरटी सिलेबस द्वारा उसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी आपको उसमें मिल जाएंगे, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप शुरू से वीडियो देख लेना, नंबर सिस्टम जहाँ से मैंने मैथ स्टार्ट की थी वहीं से स्टार्ट करना आपको, तो सभी क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो एचसीएफ आपके सामने दिया हुआ है एक्स, यानी दो संख्याओं का लघुतम समावर्तक के महत्तम समावर्तक से 28 गुना है। यानी अगर इसको एक्स माना है तो एलसीएम को क्या मानोगे, 28x, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है यहां तक तो ठीक है। उनके लघुतम समावर्तक, उनके लघुतम समावर्तक और महत्तम का योग कितना दिया हुआ है, 1740। यानी कि इनका एचसीएफ जो हमारे पास है एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एक्स दिया हुआ है प्लस क्या करना है, 28। इन दोनों का क्या करोगे, अगर ऐड करोगे तो संख्या की वैल्यू कितनी है, एचसीएफ एलसीएम की योग दिया हुआ है 1740, कितना दिया हुआ है, 1740। समझ रहे होंगे यहां तक क्लियर है, चलो यहां तक देखो। तो इसको पहले यहां तक सोल्व कर लो, फिर आगे आगे पढ़ेंगे। तो कितना हो गया, 28, और x कितना हो गया, 29, यही हुआ ना। तो 29x है और हमारे पास है 1740, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालोगे तो कितना इसमें डिवाइड करना पड़ेगा आपको, कितने से, 29 से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो कितना होगा, 60, यही होगा ना। अब आगे देखना है, इसमें 9 बार कट गया और 6 ऐसा का ऐसा। अब इसमें क्या करोगे, इनका तो ये क्या है, x की वैल्यू है और x को हमने क्या माना है, x को माना है एचसीएफ, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आया हमारे पास,
60। समझ रहे होंगे ना, एक्स की वैल्यू कितनी है 60। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो 80 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 60 से, तो यहाँ पे कर लो, यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 दूनी 12 और ये हो गया 6 और 1 16 80। ये आपके पास क्या है, ये एलसीएम दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या पूछा वो देखो, यहाँ तक तो सभी को समझे। यदि उनमें से एक संख्या कितनी है 240 है, एक संख्या कितनी है 240 है, मतलब आपकी देखो एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, फर्स्ट संख्या भी आ गई, आपसे पूछा है दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी है, तो दूसरी फॉर्मूला वही होगा, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या और इक्वल आपके पास एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें रखो, फर्स्ट संख्या आपके पास दी हुई है 240 आ रही है, ठीक है, सेकेंड संख्या आपको दी नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी है, एचसीएफ आपका 60 आ गया और मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम आपके पास 16 80 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करोगे, इसको y मान लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि x एलसीएम को माना है, इसको y रख लेते हैं, चलो y रखते हैं। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 मल्टीप्लाई इसका, अब हम डिवाइड करोगे किससे, 24। ये तो जीरो कट गया, 6 चौक का 24 हो गए, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 420 इसका राइट आंसर है, जिसका 420 है सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल सभी का 420 ममता यादव का सबसे पहले आंसर आया है। देखो पीडीएफ अभी कुछ दिनों के लिए आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद में अभी साइट का काम चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो अभी इसी से प्रैक्टिस करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, जो अभी साइट का काम चल रहा है उसके बाद में आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को आंसर समझ में आया है किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। देखो क्वेश्चन को पढ़ने का, सब मैथ में समझने का एक ही तरीका है, जो लाइनें कनेक्ट है उसे ही करते जाइए, ठीक है, आगे जब तक पैर मत फैलाइए, जब तक आपका मतलब वहां तक वो चीज समझ में ना आए, ठीक है। तभी तो किसी ने क्या कहा था कि जितनी गुदड़ी हो उतने पैर फैलाने चाहिए, ठीक है, तो मैथ में यही सिस्टम है, जहां तक समझ में आए वहां तक उस चीज को अपनी भाषा में लिख लो, ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन को समझो और फिर सोल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आपका अंतिम ही होगा शायद, हाँ अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर दो जितना जल्दी हो सके। अब मैं लगभग एचसीएफ एलसीएम वाले सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, चलो मैं करवा रहा हूं इसका। देखो आपके सामने क्या है, दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, रेशो आपके पास है 5:6 है, ठीक है, दो संख्या, फर्स्ट इसको रख लेते हैं, सेकंड इसको रख लेते हैं, क्लियर है, करते चलो, आप अपनी कॉपी के अंदर करते चलो, आपकी भी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। यदि उनका एलसीएम बताया है, क्या बताया है, एलसीएम है 120, क्लियर है 120 है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है वो, कि उनका मैसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उनका मैसे, ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है, इसका 5 और x है, तो इसका अगर हम एलसीएम क्या निकालते हैं, जब भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे x मान लिया, इसको x और इसको x, क्यों, x क्या चीज है, x इसका क्या है, मैस है, क्या है, x इसका क्या है, मैस है, यही तो मैंने आपको स्टार्टिंग से यही चीज समझाते आ रहा हूँ, जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है, मैस है, तो मैस है कितना माना है, 5x फर्स्ट संख्या, फॉर्मूले में ऐड करते चलो, 5x हो गया, ठीक है, दूसरा फर्स्ट संख्या हो गई, दूसरी संख्या कौन सी है, 6x, क्लियर है, ठीक है, आगे चलो, इनका एलसीएम कितना है, 120, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे किससे, क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा है मैसे, मैसे का मतलब एचसीएफ बचा है, और एचसीएफ को क्या माना है हमने, एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, एक्स मान लिया उसको, ठीक है, अब क्या करना है आपको, सीधा करना है कि एक्स से क्या, देखो एक्स एक्स एक बार से एक्स एक्स कट गया, ठीक है, कट गया, ठीक है, 6 दूनी 12 हो गए, 20 ये हो गए,
आपकी 5x है, 5x में क्या करोगे, 20 हमारा इधर बच गया है, x की वैल्यू निकालनी हो तो 20 में क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे, तो कितना हो गया 4। तो सभी को समझ में आ रहा होगा 4 किस प्रकार से आए, तो 4 राइट आंसर हो गया। और 4 कितना है, x की वैल्यू है, अब x की वैल्यू आपको सामने दी हुई है 4, तो आपका आंसर भी 4 होगा। सभी को क्लियर है, ठीक है, तो सभी को समझ में आ रहा होगा मुझे पूरी उम्मीद है। अब आप भी अपनी पूरी उम्मीद पे खड़े रहें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, अगर पसंद आ रही है क्लास तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो अपनी जो क्लास है अगली जीके वाली, उसमें मिलेंगे, ठीक है। अपनी जो अधूरी क्लास है, जिसकी भी क्लास हो वो ले सकता है, ठीक है। अभी साइट पे काम चल रहा है, आपको PDF जल्द ही मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.